कहानी की शुरुआत होती है कोलोराडो की एक हाई सिक्योरिटी जेल में, जहां रे ब्रेसलिन नाम का एक आदमी कैद था। एक दिन एक कैदी ने उसे जैक्स नाम के एक दूसरे कैदी से बचकर रहने को कहा, क्योंकि जैक्स रे पर हमला करने का प्लान बना रहा था। अगले दिन अपने प्लान के हिसाब से जैक्स ने रे पर हमला कर दिया, लेकिन वो रे के सामने टिक नहीं पाया और आखिरकार रे जीत गया। लेकिन इसी लड़ाई के चक्कर में गार्ड्स ने सजा के तौर पर रे को अलग चेम्बर में बंद कर दिया। ये जेल का वो हिस्सा था जहां सबसे खूंखार कैदियों को 24 घंटे कैद में रखा जाता था। रे के इस नए कमरे में कोई खिड़की तक नहीं थी, सिर्फ एक टॉयलेट था। इसके अलावा कैमरों की मदद से 24 घंटे उस पर नजर रखी जाती थी। अब रे तुरंत इस जेल से भागने के प्लान के बारे में सोचने लगा। उसने जेल में घूमकर हिसाब लगाया कि जेल के पास ही एक गैराज है। इन दिनों जेल में गार्ड्स भी थोड़े कम थे, इसलिए अगले कुछ दिन तक रे ने बहुत बारीकी से हर गार्ड का चाल चलन देखा। उसने देखा कि गार्ड्स ठीक 7 मिनट के लिए बाहर सिगरेट पीने जाते थे। अब उसे सिर्फ अपने कमरे के दरवाजे का पासकोड पता लगाना था। इसके लिए उसने खाने के साथ आने वाला दूध का प्लास्टिक उतारा और चुपके से पासकोड की स्क्रीन पर लगा दिया। जल्द ही उसे पासकोड के नंबर मिल गए और फिर उन्हें सही तरीके से अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा उसने बाहर मौजूद अपनी टीम तक भी खबर पहुंचा दी कि जिस दिन वो भागेगा उस दिन ठीक 4 बजे उन्हें साथ की गैराज में आग लगानी होगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया और रे पासकोड लगाकर कमरे से बाहर निकला। फिर वो पाइप्स वाले रास्ते से होता हुआ गैराज तक आ पहुंचा और उसी समय उसकी टीम ने बाहर विस्फोट करके सबका ध्यान भटका दिया। जल्द ही फायर ब्रिगेड वहां आई और रे चुपके से उनकी गाड़ी के नीचे लटक कर भाग निकला। आखिरकार उसके साथ ही एबिगेल और हश उसे लेने आए, लेकिन फिर उन्होंने रे को एक खाली सड़क पर छोड़ दिया। जल्द ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया, पर तभी लेस्टर नाम का एक आदमी वहां आया और उसने पुलिस से रे को छोड़ने को कहा। इसके बाद लेस्टर और रे उसी जेल के हेड से बात करने पहुंचे और तब ये खुलासा होता है कि रे खुद एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था। ये कंपनी दुनिया भर की जेलों की सिक्योरिटी की जांच करती थी। रे कोई अपराधी नहीं था, बल्कि वो तो खुद एक कैदी बनकर सिक्योरिटी की जांच करने जाता था ताकि जेल के हेड उसमें और सुधार कर सकें। वो इतनी जेलों से भाग चुका था कि अब लोग कहने लगे थे कि भाई ये बंदा तो किसी भी जेल से भाग सकता है। आखिरकार पूरे 5 महीने बाद वो अपने ऑफिस गया, जहां उसने दुनिया की सबसे आसान गेम खेलकर अपने दोस्तों को खुश किया। इसके बाद उसके पार्टनर लेस्टर ने उसे जेसिका नाम की एक लड़की से मिलवाया। वो चाहती थी कि रे दुनिया की सबसे खुफिया और कड़ी सिक्योरिटी वाली जेल की जांच करे, लेकिन उसकी ये शर्त थी कि रे और उसकी टीम को ये जेल कहां मौजूद है इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। इस काम के लिए वो लाखों डॉलर्स देने को तैयार थी, लेकिन रे को ये सब कुछ ठीक सा नहीं लगा, पर लेस्टर के थोड़ा मनाने पर वो राजी हो गया। इसके बाद उन्होंने रे को एंथनी नाम के एक आतंकवादी की पहचान दी और फिर एबिगेल ने उसकी बाजू में एक ट्रैकर भी लगा दिया। लेकिन जल्द ही उसे किसी ने अगवा करके बेहोश कर दिया और उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से उसकी बाजू में लगा वो ट्रैकर भी निकाल दिया। अब वो सीधा जेल में पहुंच गया ताकि उसे पता ना लग सके कि ये जेल कहां पर है। जब रे की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक कांच के डिब्बे में बंद था और उसके चारों ओर कई कैदी थे। इसके बाद रे की मुलाकात जेल के वार्डन हॉब्स से हुई, लेकिन रे को तो बताया गया था कि वार्डन का नाम मार्श होगा। वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए उसने वो खास कोड बोला जिससे वो इमरजेंसी में जेल से बाहर निकल सकता था। लेकिन हॉब्स ने उस पर कोई ध्यान ना देते हुए उसे जेल में भेज दिया। उधर एबिगेल और हर्ष बाहर रे का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं जेल में रे ने देखा कि हर एक गार्ड ने एक जैसे कपड़े और मास्क पहने थे और उनका जब मन करता वो किसी को भी पीटने लग जाते। बाद में एमिल नाम का एक कैदी उसके पास आया और उसे बताया कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इस जेल में है क्योंकि कुछ लोग उससे उसके बॉस का पता निकलवाना चाहते हैं। तब रे को समझ आया कि यहाँ कोई असली अपराधी है ही नहीं, बल्कि यहाँ अमीर लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए भेजते हैं। अब उसे खूंखार कैदियों वाले इलाके में जाना था, इसलिए वो प्लान बनाकर एमिल से हाथापाई करने लगा। आखिरकार उन्हें खास कमरों में बंद कर दिया गया, जो अपने आप में किसी टॉर्चर से कम नहीं था। इस कमरे का तापमान इतना ज्यादा था जिसे कोई भी इंसान सहन नहीं कर सकता। वहां की तेज रोशनी से जल्द ही उन्हें चक्कर आने लगे और वार्डन कैमरे से ये सब देखकर मजे लेता रहा। फिर अगले दिन डॉक्टर कायरी रे को देखने आया। उसे रे पर थोड़ी दया आई, लेकिन जब रे ने उससे इस जेल का पता पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार एमिल और रे को छोड़ दिया गया और रे ने बताया कि कमरे का फर्श एल्यूमिनियम की जगह स्टील से बना था। अब उसने एमिल से कोई मेटल की पत्ती लाने को कहा जिससे वो फर्श के नट बोल्ट खोल सके।
इसके बाद एमिल को वार्डन ने बुलाकर एक बार फिर उसके बॉस मैनहम के बारे में पूछा, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। तो फिर गार्ड ने जबरदस्ती उसके मुंह में पानी की पाइप ठूंसकर उस पर बहुत जुल्म किए, पर इस दौरान एमिल मेटल का एक टुकड़ा चुराने में कामयाब रहा। बाद में उसने रे से उसके प्लान के बारे में पूछा तो रे ने कहा कि उसके हिसाब से ये जगह जमीन के नीचे बनी है। अगर वो बोल्ट खोलकर यहाँ से बाहर निकल भी गए तो उन्हें ऊपर की ओर रास्ता बनाकर जमीन तक पहुँचना होगा। ये सब सुनकर एमिल को विश्वास हो गया कि कुछ तो बताए इस आदमी को, यही निकालेगा मुझे बाहर। अब वो प्लान के मुताबिक फिर से लड़ाई करके उन कमरों तक पहुंच गए। वहां रे ने कैमरा से छिपकर नट खोलने शुरू किए और काम होते ही एमिल को इशारा कर दिया ताकि वो गार्ड्स का ध्यान भटकाए। तभी एमिल चिल्लाने लगा और सब उसकी ओर देखने लगे। इतने में रे ने कागज से अपना कैमरा ढक दिया। इसके बाद वो फ्लोर से नीचे उतर गया, लेकिन तभी उससे गलती से एक पाइप टूट गई जिससे हर जगह पानी भर गया। आखिरकार जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि ये जेल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच पानी के एक विशालकाय जहाज में थी। इधर अंदर का पानी चारों ओर फैलने लगा था और तब रे तुरंत अपने कमरे में वापस लौट आया। उधर एबिगेल और हर्ष ने लेस्टर से रे के बारे में बात की। असल में इस काम के लिए रे को जो चेक मिला था वो बाउंस हो गया, और तो और जेसिका का भी कोई अता पता नहीं था। इसीलिए उन्होंने लेस्टर को रे को ढूंढने को कहा, लेकिन लेस्टर तो कहने लगा कि रे को अपना काम करने दो। उनके जाने के बाद लेस्टर ने जेल के वार्डन को फोन किया और रे को पूरी उम्र वहीं रखने को कहा। तब ये खुलासा होता है कि लेस्टर अकेला ही इस कंपनी का मालिक बनना चाहता था, इसीलिए उसने ये नकली डील करके रे को हमेशा के लिए जेल भेज दिया। लेकिन एबिगेल और हर्ष ने हार नहीं मानी। हर्ष को टूम नाम की एक गैर कानूनी जेल के बारे में पता चला जिसमें लोग अपने दुश्मनों को रखते थे, लेकिन ये है कहां पर ये किसी को नहीं पता था। उधर जेल में रे और एमिल को पता लगाना था कि वो दुनिया के किस हिस्से में मौजूद हैं। इसके लिए रे ने डॉक्टर कायरी से मदद मांगी, लेकिन डॉक्टर ने उसकी कोई मदद नहीं की। खैर फिर रे ने गत्ता चुराया और जुगाड़ करके उससे सेक्सटेंट नाम का एक डिवाइस बनाया जिससे शिप की लोकेशन के पॉइंट्स पता किए जा सकते थे, पर इसके लिए उसे शिप के ऊपरी हिस्से में जाना होगा, इसलिए उसने जावेद नाम के कैदी से मदद मांगी। बाद में जावेद ने वार्डन के पास जाकर उसका जासूस बनने का नाटक किया और बदले में उससे खुली हवा में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। अनजान वार्डन ने इस बात की मंजूरी दे दी और फिर अफरीदी ने उस डिवाइस के जरिए शिप के पॉइंट्स पता किए। आखिरकार रे ने हिसाब लगाया कि वो मोरक्को के पास अटलांटिक ओशियन में थे। तब एमिल ने उसे बताया कि उसका एक दोस्त मोरक्को में ही रहता है, अगर वो किसी तरह उस तक खबर पहुंचा दें तो वो अपनी टीम के साथ उन्हें बचाने जरूर आएगा। अब रे फिर से डॉक्टर कायरी से मिला और उसे मदद करने के लिए मना ही लिया। फिर रात को डॉक्टर ने एमिल के दोस्त को ईमेल लिखकर उनकी जेल का पता दिया। आखिरकार भागने का दिन आ गया और जावेद ने वार्डन को झूठी खबर देकर कहा कि ब्लॉक ए में लड़ाई होने वाली है। ये सुनकर वार्डन ने तुरंत सारे गार्ड्स को ब्लॉक ए में भेज दिया और खास कमरों पर सिर्फ दो गार्ड्स रह गए। रे ने मौका देखकर वहां लड़ाई शुरू कर दी और जल्द ही सब एक दूसरे को पीटने लगे। तभी रे, एमिल और जावेद शिप के ऊपरी हिस्से की ओर भागे, पर वार्डन ने तुरंत पूरी शिप में लॉकडाउन लगा दिया। हुआ ये कि उन तीनों के ऊपर पहुंचने से पहले ही सभी दरवाजे लॉक हो गए और मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ा। उसी वक्त एमिल का दोस्त अपने आदमियों के साथ हेलीकॉप्टर में वहां तक पहुंचा, लेकिन शिप में गार्ड्स और कैदियों के बीच धुआंधार गोलीबारी चल रही थी। इसी दौरान जावेद के पेट में गोली लग गई। अब रे ने अपना दिमाग लगाया और कंट्रोल रूम में जाकर बिजली काटने का फैसला किया। इस तरह वो ऊपर का दरवाजा फिर से खोल सकते थे। उसने एमिल को जावेद का ध्यान रखने को कहा और खुद आगे चला गया। तभी जावेद ने एमिल को भी आगे जाने को कहा क्योंकि वो जानता था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मजबूरन एमिल को उसे छोड़कर भागना पड़ा और बाद में गार्ड्स ने जावेद को मार डाला। उसी वक्त रे शिप की बिजली काटने में कामयाब रहा और उधर एमिल भी भागकर छत तक आ गया। अब वो दौड़कर अपने दोस्त के हेलीकॉप्टर तक पहुंचा, लेकिन पीछे से जेल के गार्ड्स उन पर हमला करने लगे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और गार्ड्स का सामना करते हुए रे के बाहर आने का इंतजार किया। लेकिन रे तो बदकिस्मती से अंदर पानी के टैंक में फंस गया था। गार्ड्स हर तरफ उसे ढूंढ रहे थे, इसलिए वो दरवाजा खोलकर सीधा समुद्र में कूद गया। तभी एमिल हेलीकॉप्टर में निकल पड़ा और उसने रे को समुद्र में डूबते देखा। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर से सीढ़ी फेंकी और आखिरकार रे ने उस पर चढ़कर शिप में मौजूद तेल के टैंक्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। जल्द ही शिप में जोरदार धमाका हुआ और वार्डन अपने गार्ड समेत वहीं मारा गया। आखिरकार एमिल और रे सुरक्षित मोरक्को के किनारे पर आ गए थे। तभी एक गाड़ी उन्हें लेने आई और उसमें से जेसिका बाहर निकली। रे ने देखा कि ये तो वही लड़की है जिसने उसे इस जेल में भेजा था।
जब एमिल ने बताया कि ये उसकी बेटी है तो ये सुनकर रे के होश ही उड़ गए। तब जाकर ये खुलासा होता है कि असल में एमिल ही मैनहेम है और सबको लगता रहा कि मैनहेम उसका बॉस है। उसने अपनी असलियत छिपा कर रखी थी ताकि उसके दुश्मन उसे मार ना डालें। इसके बाद हमें पता चलता है कि जेसिका अपने पिता को जेल से छुड़वाना चाहती थी, इसीलिए उसने धोखे से रे को इस जेल में भिजवाया। अंत में उसने रे को लेस्टर की सच्चाई बताई कि कैसे वो गद्दारी करके जेल वार्डन के साथ मिल गया था। आखिरकार रे एबिगेल और हश से मिला और उसे पता चला कि लेस्टर को एक ऑफर मिला था जिसके मुताबिक अगर रे इस जेल से भागने में नाकामयाब होता तो लेस्टर इस जेल का CEO बन जाता। उधर जब लेस्टर को पता चला कि रे बाहर आ गया है तो वो भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भागने लगा। इसके बाद हश ने गाड़ी में उस पर हमला कर दिया और बाद में जब लेस्टर की आंख खुली तो वो अब भी गाड़ी में ही था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि ये गाड़ी हजारों डिब्बों से भरे जहाज में थी। और अब ये जहाज जा कहां रहा है ये कोई नहीं जानता। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।